नमस्कार दोस्तों, अगर आप सिर्फ 10वीं पास है ना, तो आपके लिए एक वार्ड बॉय की जो पोस्ट का नेम है वार्ड बॉय है, और इसमें आपको सैलरी 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में इन हैंड मिलने वाली है। स्टार्टिंग जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको जो सैलरी है 10,500 इन हैंड मिलेगा। और एक चीज बता दूं, इस भर्ती में किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं है, यानी कि नो एग्जाम है, तो सीधी भर्ती है दोस्तों। मेल फीमेल या पीएच कैंडिडेट या फिर कोई स्पोर्ट्समैन हो, एक सर्विसमैन हो, इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो कोई से भी कैटेगरी के हो, फीस है वो 00 रुपए है दोस्तों। तो एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास। जितने भी कैंडिडेट का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और अर्जेंट जॉब की रिक्वायर्ड है, ठीक है, अर्जेंट जॉब की जरूरत है, उन सभी कैंडिडेट के लिए एक अच्छा मौका है दोस्तों। तो इस वैकेंसी में कहां से वैकेंसी आई है, कहां पे आपका जॉब लोकेशन रहेगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ A to Z आसान भाषा में बताने वाला हूं। बस आप सभी से एक मांग है, मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 10वीं पास वालों के लिए एक बेहतरीन जॉब, जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के तरफ से वार्ड बॉय के पद पे भर्ती आई हुई है। अब इसमें फॉर्म अप्लाई की डेट बात करूं तो इसमें ऑलरेडी आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है और इसका लास्ट डेट है 6 फरवरी 2024, ठीक है। एज क्राइटेरिया, आखिर उम्र की जो सीमा है वो क्या है, तो आपको बता दूं 21 साल रखी गई है मिनिमम, और मैक्सिमम आप 40 साल भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फीस की बात करूं तो 00 रुपए है ऑल कैटेगरी के, जितने भी कैंडिडेट जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है। क्योंकि हॉस्पिटल में जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में आप सभी को पता है कि वार्ड बॉय की जब भी वैकेंसी आती तो वार्ड बॉय का उतना ज्यादा हेडेक वाला काम नहीं रहता है, इसीलिए आप सभी को एक बढ़िया मौका है ये सरकारी विश्वविद्यालय। एक चीज पहले ही बता दूं, ठीक है, ऑल इंडिया के मेल फीमेल पीएच कैंडिडेट आप कोई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता ओनली 10वीं पास होना, सिर्फ और सिर्फ आप 10वीं पास कैंडिडेट हो, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और एक बार फिर से बता दूं, बिना किसी रिटन एग्जाम के, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना कोई लोचा के आपको सिर्फ फॉर्म फिल कर देना है और मेल आईडी जरूर रजिस्टर करना है, क्योंकि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मेल आएगा वो आपको मेल में आएगा, उसके बाद आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। सीधी भर्ती है दोस्तों। अब देखिए, ये जो पद का नाम वार्ड बॉय है ना, इसमें आप सोच रहे हो रिटन एग्जाम नहीं है तो सिलेक्शन कैसे होगा, आप इसमें फॉर्म फिल कर दिए दोस्तों तो आपके 10th पास के आधार पे, उसके नंबर के आधार पे आपका चयन होना तय है। उतना ज्यादा कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जॉब की प्रकृति है, हालांकि देखिए ये सरकारी विश्वविद्यालय है, सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालय है, सबसे पहली बात ये बता दूं, लेकिन ये जो वार्ड बॉय की जो पोस्ट की वैकेंसी है ना, ये आपको थर्ड पार्टी के अंतर्गत रखेगा, ठीक है, यानी कि आपका सब कुछ काम सरकारी हॉस्पिटल के अंतर्गत रहेगा, लेकिन आपका जो जॉब की प्रकृति है ना वो परमानेंट रेगुलर पोस्ट नहीं रहेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहोगे, ठीक है। ये बात अभी से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं सीधा सीधा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहोगे आप इसमें, यानी कि जॉब की प्रकृति आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारा फायदा है दोस्तों, आप देखें क्या होता है, कोई भी हॉस्पिटल में, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, अगर उसमें वार्ड बॉय आया ये सब की वैकेंसी आती है, तो जो वहां के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहते हैं या फिर जिसके पास एक्सपीरियंस रहता है सरकारी हॉस्पिटल में काम करने का, उनको प्राथमिकता दिया जाता है। तो ऐसे मौका को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। हालांकि आपका सैलरी स्टार्टिंग 10,000 से 20,000 के बीच में रहने वाली है, लेकिन ड्यूटी भी तो सोचिए बहुत कम रहता है, हॉस्पिटल में हेडेक वाला काम नहीं रहता है, तो इसमें जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। अब देखिए थर्ड पार्टी है हालांकि, ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसका जॉब का लोकेशन क्या है, तो देखिए ये जो किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में ये विश्वविद्यालय है, हमारा भारत देश में है।
तो आप ये मत सोचिएगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सोच करके बाहर में है बोल के, ये आपका अपना उत्तर प्रदेश में है, सारा कोई भर सकते हैं, ठीक है, किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय, ठीक है। जॉब लोकेशन हो गया, अब इसमें फॉर्म अप्लाई कैसे करना है तो आपको बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाइए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। इस वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन बता रहा हूं और फॉर्म कैसे फिल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप जाओगे तो ये लिंक खुल जाएगी, देख सकते हो, उत्तर प्रदेश सरकार सेवा योजना .up.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है। अब देख सकते हो विभाग का नाम, पद का नाम वार्ड बॉय है, विभाग का नाम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आवेदन की अंतिम तिथि कब है, 6/2/2024 और 29/1/2024 को ये वैकेंसी जारी हुआ है। कुल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 12 पोस्ट है और इसमें एसएससी यानी कि 10वीं पास हो आप तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज और बता दूं, इसमें जो रिक्ति की प्रकृति है वो थर्ड पार्टी, मैंने पहले ही बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। और देखिए आप कोई अपेक्षित अनुभव नहीं चाहिए, आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो अपेक्षित अनुभव आवश्यक नहीं है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। और अपेक्षित वर्ग पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक सब कोई इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 10,100 से 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा, जिसमें से स्टार्टिंग में 10,500 आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों। अप्लाई कैसे करना है, सीधा क्लिक नीचे करना है, आवेदन करें में क्लिक कर देना है और यहां से आपको क्या करना है, सॉरी मेरा अभी वाईफाई ऑफ कर दिया हूं तो ऑन कर देता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए मेरे में खुल गया, ठीक है। अब यहां पे लॉगिन आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है इसमें रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्टर्ड सबसे पहले देखिए यहां पे नीचे में लिखा होगा जॉब सीकर साइन अप, तो इसमें क्लिक कर देना है। अब देखिए यहां पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ भरना है, ओटीपी आएगा, सबमिट करना है, कंफर्म पासवर्ड करके फिर लॉगिन करना है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, फॉर्म फिल करना है। किसी भी प्रकार का समस्या है तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, सेवा योजना में फॉर्म कैसे फिल करना है, आप सभी को मिल जाएगा दोस्तों। देखिए आपको अगर फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो आपको सिर्फ लिखना है यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में क्या लिखना है, सेवा योजना में फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे वीडियो आ जाएगा जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सेवा योजना के अंतर्गत फॉर्म फिल करना है, वो सारा कुछ बता देगा, उसमें दिखा रहेगा, वैसे सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल कर लेना है। और देखिए आप अपने से फॉर्म फिल कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, ठीक है, तभी आप सीखोगे। क्योंकि देखिए फॉर्म फिल करने में कुछ नहीं रहता, बस आपको फोटो अपलोड करना है। सेवा योजना में क्या है, आपका 10, 12 ये सब सर्टिफिकेट का आपको स्कैन कॉपी अपलोड करना रहता है, ठीक है, ठीक है। 10, 12 वाला हो गया। दूसरा चीज आपका एक फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, यही सब अपलोड करना रहता है, नाम, पिता का नाम क्या क्या है, बस आप पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, मोबाइल से ही फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में सेवा योजना में कैसे फॉर्म फिल करें। आप कोई से भी देश के हो, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सेवा योजना की वहां की मुख्यमंत्री जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी उसने चालू किया है, जिसमें मतलब जितने भी सरकारी विभाग है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, 10वीं पास 12वीं पास कॉलेज पास ये सब में आपको मौका मिलता है। अगर आप अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखना चाहते हो तो वहां पे बहुत सारी जॉब रहती है, बिना किसी परीक्षा के आपका पासिंग नंबर के आधार पे आपको ज्वाइनिंग देता है दोस्तों, तो जरूर एक बार उसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर आपका समस्या है तो जरूर कमेंट कीजिएगा या फिर मेल में मुझे मेल कीजिए, आप सभी को जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।